जिस पुलिस पर आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी पुलिस ने लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को कार न रोकने पर मार डाला। लखनऊ में पुलिस की गोली का शिकार बने विवेक तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, सिर में बेहद करीब यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी गोली। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने लखनऊ की घटना पर कहा, यह एनकाउंटर नहीं, जरूरत पड़ी तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। शुरुआत में विवेक के चरित्र पर ही सवाल उठाने वाली लखनऊ पुलिस झुकी, बड़े पुलिस अफसरों के दखल के बाद हत्या का केस दर्ज, आरोपी सिपाही प्रशांत और संदीप गिरफ्तार। विवेक हत्याकांड को लेकर लखनऊ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह हत्या सुनियोजित तरीके से नहीं हुई, एसआईटी जांच के आदेश। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी का कहना है कि विवेक की गाड़ी रिवर्स हुई तब पुलिस वालों ने गोली चलाई, दोनों आरोपी सिपाही जेल भेजे गए। लखनऊ में विवेक की हत्या की चश्मदीद उनकी साथी सना सदमे में, पुलिस की घेराबंदी के बीच कहा, विवेक के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ूंगी। एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या कल रात लखनऊ के गोमती नगर में उस वक्त हुई जब वो ड्यूटी के बाद अपनी साथी सना को ड्रॉप करने जा रहे थे। पुलिस वालों ने कार रोकने को कहा लेकिन कार न रोकने पर पुलिस वालों ने विवेक को गोली मार दी। लखनऊ पुलिस की गोली का शिकार बने विवेक तिवारी के परिवार का रो रोकर बुरा हाल, विवेक तिवारी अपने पीछे पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। पुलिस की गोली से मारे गए विवेक तिवारी के परिवार ने योगी से मांगा इंसाफ, सीएम योगी के आने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ा परिवार। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले ने विवेक तिवारी का चरित्र हनन किया है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। गाजियाबाद में मौजूद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, लखनऊ हत्याकांड में पुलिस वालों को जेल भेजा गया, जनता को भरोसा दिलाते हुए बोले, रक्षक को भक्षक नहीं बनने दिया जाएगा। कांग्रेस ने की लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग, कहा बेगुनाह को मार रही है यूपी पुलिस। पुलिस की गोली से बड़ी कंपनी एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या से यूपी के राजनीतिक महकमे में हड़कंप, सीएम योगी ने डीजीपी से बात की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह आज, राजनाथ सिंह ने कहा, डिटेल नहीं दूंगा लेकिन पाकिस्तान पर हुई है बड़ी कार्रवाई। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान को चेताया, कहा आतंकियों को भेजना बंद नहीं किया तो फिर कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। श्रीनगर के जवाहर नगर में पीडीपी विधायक एजाज मीर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी आदिल बशीर 8 हथियार लेकर फरार, जांच में जुटी पुलिस। शरद पवार से नाराज होकर एनसीपी छोड़ने वाले तारिक अनवर ने अब कहा, सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा उठाना गलत था, बोले एनसीपी में नहीं लौटूंगा। केजरीवाल ने बिजली पर मोदी सरकार के संशोधित कानून के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा राज्यों की ताकत छीनकर बिजली महंगी करने और चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की चाल। पीएम मोदी ने दिल्ली में एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, कहा देश के आईआईएम खुद तय करेंगे सिलेबस, शिक्षक और बोर्ड की नियुक्ति जैसे फैसले सरकार की भूमिका नहीं। बिहार के कटिहार में सरकारी मिड डे मील में मिल रहे नमक भात के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र और उनके परिवार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम 6 बजे, सीएम डिप्टी सीएम और यूपी से केंद्र में मंत्री शामिल होंगे। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का आज यूएन में भाषण, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र को संबोधित करेंगी। पेट्रोल डीजल के दाम आज भी बढ़े, दिल्ली में डीजल 74.63 रुपए प्रति लीटर हुआ, पेट्रोल 83.40 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज के बाद अब खुले में मीट शॉप पर बवाल, हिंदू संगठनों ने दुकान बंद कराई। केदारनाथ में एकाएक बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठंड, प्रशासन ने यात्रियों से कहा कमरों से बाहर ना निकलें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फ गिरी है जिसके बाद यहां 23 सितंबर से चल रहे राहत और बचाव के काम को रोकना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 3,611 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन 81 लोग सुरक्षित कुल्लू पहुंचाए गए।
बिहार के बेगूसराय में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने बेगूसराय का नगर निगम चौक जाम किया। बिहार के शेखपुरा के कसार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक का अपहरण। अज्ञात बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी। घर वालों ने दर्ज कराया केस। एमपी के ग्वालियर में एक घर में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से दीवार गिरी। चार लोगों की मौत, दो लोग जख्मी। यूपी के शामली में इंडियन ओवरसीज बैंक में 15 करोड़ के घोटाले के आरोप में मैनेजर और चपरासी गिरफ्तार। बैंक के पैसे से लगाया था शेयर बाजार और क्रिकेट में सट्टा। मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी को तबियत खराब होने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी बेटी शीना बोरा के हत्या में आरोपी है इंद्राणी। इंडोनेशिया में समंदर में आई सुनामी से तबाही। मरने वालों की संख्या 384 तक पहुंची। फेसबुक के 5 करोड़ अकाउंट की सुरक्षा में सेंध। खराबी के बाद व्यू एज फीचर बंद किया गया। 4 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे पुतिन। अगले महीने चीन यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला चीन दौरा। बांग्लादेश को हराकर 7वीं बार एशिया कप चैंपियन बना भारत। दुबई में हुए रोमांचक फाइनल में आखिरी गेंद पर मिली 3 विकेट से जीत। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। केदार जाधव और कुलदीप ने 1-1 रन लेकर टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत को केदार जाधव और कुलदीप की जोड़ी ने दिलाई जीत। केदार 23 रन तो कुलदीप 5 रन बनाकर नाबाद रहे। केदार जाधव मैच के बीच मांसपेशियों में तनाव के चलते पवेलियन चले गए थे, लेकिन 6 विकेट गिरने पर संकट में आई टीम को उबारने फिर क्रीज पर लौटे। टीम इंडिया 4थी बार बिना एक भी मुकाबला हारे चैंपियन बनी। 1984, 1986, 2016 में भी भारत बिना कोई मैच हारे एशिया कप विजेता बना था। बांग्लादेश ने लिट्टन दास के शानदार शतक की बदौलत 222 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 223 रन बनाए। एशिया कप जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कप्तानी के सवाल पर कहा कि वो लंबे समय के लिए कप्तानी को तैयार हैं। अभी विराट को आराम देने की वजह से मिली है रोहित को कप्तानी। भारत के एशिया कप जीतने के बाद दुबई से भारत तक जश्न। दुबई के स्टेडियम में जमकर आतिशबाजी। विकी कौशल, यामी गौतम और परेश रावल की फिल्म उरी का टीजर हुआ रिलीज। 2016 के उरी आतंकी हमले पर आधारित है फिल्म। उरी हमले के बाद आज के ही दिन 2 साल पहले हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। 11 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। नाना पाटेकर और तनुश्री विवाद पर सलमान खान ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर बदसलूकी का आरोप लगाया। तेलुगु भाषा में भी रिलीज हुआ फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर। फिल्म दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। सुई धागा की रिलीज के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। विराट ने वरुण धवन के काम की तारीफ की और कहा कि पत्नी अनुष्का ने एक बार फिर उनका दिल चुरा लिया है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म साइना के लिए अपने लुक की एक फोटो ट्विटर पर डाली। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर बन रही है फिल्म। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।